अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आप लोगों ने पहचान तो ली होगी, ये वाली छत जो है ना हमारे फेमस मुनीर उस्ताद की छत है। तभी जो है ना इस छत में हम लोग आए हुए थे और फैसल उस्ताद पता नहीं क्या हो गया। इधर देखो फैसल उस्ताद यार, फैंस से अपना सलाम दुआई कर लो थोड़ी। बड़े दिन से तुम गायब हो। बड़े दिन से ना मैं शार्ट हूँ क्योंकि ना यार टाइम ही नहीं मिल रहा छत पे आने का। तुम्हारे सामने ही है। नहीं मेरे सामने नहीं है यार, तुम मेरे सामने भी नहीं हो, गायब हो 3 दिन से। मैंने तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी। मुझे कह रहे हो तुम्हारे सामने नहीं है। नहीं यार मतलब तुमको तो पता ही है ना। हाँ मतलब पता ही है ना। हाँ ये मुनीर उस्ताद के साथ है पूरा टाइम। यहाँ पे चिड़ी मारियां कर रहा है। मैं आपको शौक कराता हूँ मुनीर उस्ताद के साथ ना। फैसल उस्ताद ने मिलके एक और कबूतर पकड़ा है, ये चेक करें ये वाला। अभी मुनीर उस्ताद खुद ही शौक कराएंगे इसका। और अभी मुनीर उस्ताद का एक और भी सीन बताता हूँ मैं आपको, ये चेक करें ये कबूतर है। बाकी परवर दिखाओ इसके, ये कब पकड़ा? ये पिछले 3 दिन में ही पकड़ा है ना ये। फैसल उस्ताद 3 दिन से गायब थे ना, यहाँ पे चिड़ी मारियां कर रहे थे। तो ये कबूतर है। बाकी मुनीर उस्ताद ने तो ना इसको हिला भी लिया, जरा इसको फेंक दो इसको, ये चेक करें ये चला गया। तो अभी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ एक और कौन सा कबूतर पकड़ा। वो वाला कहाँ गया यार, वो ब्राउन वाला? हाँ वो ब्राउन वाला, वो किधर गया? कॉफी, हाँ ये बैठा हुआ, इसको भी पकड़ो। इसकी आँख देख रही थी ना सही है खराब है क्या है, ये चेक करें। ये एक और भी कबूतर की चिड़ी मारी की है मुनीर उस्ताद। चिड़ी मार है, फुल चिड़ी मार उस्ताद है ना, देखें। हाँ लेकिन टॉपर पे नहीं जा सकते ना अभी। मैं आप सीन बताता हूँ ना, सरप्राइज है, सरप्राइज है। हाँ एंड पे बताएंगे सरप्राइज है, अभी नहीं। तो ये चेक करें, ये दूसरा कबूतर चिड़ी मारी की है। पट्टी वाला कबूतर है और लाल आंखों में, पता नहीं कैसी आंखों में आंखें, मुझे इसकी सही नहीं लग रही यार, ये क्या है नूर इसका? सफेद हो रहे। हाँ नूर बड़ा अजीब से, देखता हूँ मैं फिर आपको भी दिखाता हूँ। रुको मैं देखता हूँ पहले क्या सीन है इसका। सीन मैंने जो ना देख लिया इसका क्या सीन है। ये वाली जो ना इसकी ओरिजिनल आंख है, सही वाली मैं ऐसी ही दिखाता हूँ आप दोस्तों को, बल्कि नजर नहीं आ रही। वैसे वैसा तुम ही दिखा दो सही से। आंखें से जो ना थोड़ा सा खराब हुआ है बेचारा, ये जो ना चेक करें, लेकिन जो ना उड़ रहा फिर रहा है ये। बाकी ये जो ना दूसरी आँख चेक करें, इसमें जो ना इसको मोतिया भी हुआ हुआ है आँख के नूर में। चेक करें इसको जो ना मोतिया हुआ है। तो ये कबूतर की जो ना चिड़ी मारी की, छोड़ दो इसको भी, ये भी हिला लिया भाई ने। तो इसको कलर तुमने मारा है, पहले का हुआ हुआ है, इसको भी पहले का ही कलर हुआ है। ब्लू कलर वाली यार कौन उड़ा रहे, ये बहुत आ रहे हैं। वो जोड़े को भी ब्लू कलर ही हुआ था, ये नहीं, ये भी गया। जा भाई जा, उड़ जा, उड़ गए लें जी। तो बाकी जो ना यहाँ पे चेक करें, ये काले वाले कबूतर का बेबी जो ना नीचे आ गया। बाकी और तो कोई चिड़ी मारी नहीं की, और कोई चिड़ी मारी नहीं की इतने टाइम में, नहीं बिल्कुल भी चिड़ी मारी नहीं की। सिर्फ ये दो कबूतर ही पकड़े, इनमें से एक ये घूम रहा है, चेक करें ये रहा जो पहले छोड़ा था ना। तो अभी क्या सरप्राइज है बता दें फैसल उस्ताद? एंड में वो लाल वाला ये घूम रहा है। ये चेक करें कबूतर, बड़ा कबूतर। ये मुनीर उस्ताद सच में हैवी बंदा लग रहा है, इसको रोजा लगा हुआ है, धूप में खड़ा हुआ है ना ये, तो हैवी ड्राइवर हो गया ये। नहीं डराओ यार, अभी फैसल उस्ताद को पंजा लगते लगते बच गए। वो ये लकवे में चला गया क्या? नहीं 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 नहीं, पागल बना रहा था, ऐसे लग रहा जैसे गर्दन टेढ़ी की हुई ना, लकवे में चला गया। चेक करें, पागल बना रहा था। तो बेबी निकल गए यार यहाँ पे, उधर एक बेबी निकले। ये चेक करें यहाँ पे निकला एक बेबी भी जान जो ना। क्या सरप्राइज है ना वो ना मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो मुनीर उस्ताद जो है ना थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे भी समझ में नहीं आई थी। अभी जो ना कंफर्म कर लिया हम लोगों ने, मजाक था। अभी वो सच्ची में ऐसा नहीं, हम लोग सरप्राइज ले जाए बोले, मैं मजाक किया। बताओ फैसल उस्ताद क्या सरप्राइज है यार, जल्दी बताओ। अबे क्यों खोल रहा है भाई यार, अभी नहीं खोलो ना। नहीं खोल गेट निकाल रहे हैं, सरप्राइज निकाल रहे हैं। फैसल उस्ताद तुम बताओ क्या सरप्राइज है, पूरी उस्ताद की जो ना कहानी बताओ, वन से लेकर पूरा 10 तक बता दूं सब। हाँ सब बता दो, से लेकर 7 तक बता। भाई ने ना क्या किया, अभी मुर्गे उर्गे रखे हुए थे तो उनके मुर्गों में ना बीमारी वगैरह, बीमारी नहीं आई है, वो जो हमारे पास आई थी पहले कीड़े जो आ गए थे खतरनाक वाला, तो उसकी वजह से ना भाई को हो गई स्कैबीज। हाँ इसके भी दो कुत्ता खारिश हो गई है। क्या हो गई है? कुत्ता खारिश। ये चेक करें भाई के सर में जो है ना कीड़ों ने घुस घुस के जो है ना भाई का बुरा हाल कर दिया। कबूतरों की बदवा लगी है तुम्हें। रात का जागा हो भाई, सॉरी ये उसने नहीं किया। ये भाई जान की जब भी आते है ऐसा कर रहा होता, गुजार रहा होता, हम लोग को लग रहा था लंगड़ा, लेकिन गुजार रहा होता, कुत्ते की खारिश नहीं किया करे, ये कहाँ छुपे हुए थे। तो भाई को जो है ना कीड़ों ने ना बड़ा तंग किया हुआ है, और भाई के घर वाले जो है ना इनको भी कबूतरों से ना मना कर रहे हैं, मुर्गों से भी मना कर रहे हैं, सब कुछ जो है ना कि मुझे नहीं निकाल दे घर से। पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था वो ब्लैक वाला।
ये नहीं, हाँ ये बेबी विजन नहीं दिखाया था ना आपको लास्ट टाइम पे, चेक करें ये बेबी विजन भी जो ना अभी बैठा हुआ है लेकिन ये नहीं लेके जा रहे। तब भी जो ना अपने सेटअप पर वापसी आ चुके, वहाँ पे जो ना सीन हो गया था सुबह के टाइम पे ना इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी कि मोबाइल जो है ना ओवर हीट हो गया ना, रिकॉर्डिंग जो है ना बंद हो गई थी और मैं जो ना रिकॉर्ड कर रहा था मुझे पता ही नहीं था, हम लोगों ने व्लॉग तकरीबन बना ही दिया था लेकिन वो जो ना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सारा का सारा। तो कौन कौन से जो ना कबूतर लेकर आए वो जो ना मैं आपको दिखाता हूँ, जो ना शाम का वक्त हो रहा है इसीलिए जो ना अभी ऊपर आया हूँ, बहुत ज्यादा जो ना आज गर्मी थी, सुबह में कबूतर भी उड़ाए थे मैंने 11 बजे के टाइम पे और अभी जो ना आगे होती है अपनी शहजादी पट्टी, चेक करें इसकी हालत जो है ना कैसी हो रही है। अभी जो है ना 4:30 का टाइम हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था ये जो ना उड़ी रही है, मैं तो उड़ा के बस चला गया था, सारे तकरीबन जो है ना आगे उतर गए थे लेकिन ये जो ना अभी मैंने देखा तो आगे उतरी है। तो कौन कौन से कबूतर लेके आए जो ना मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग ने गैस तो कर ही लिया होगा मेरे ख्याल में तकरीबन जो है ना, चेक करें एक तो यही काला जो सबसे पहले मैंने भाई को कहा था कि जब हम स्टार्टिंग में गए थे ये कबूतर मैं ही लेकर जाऊंगा जब भी लेकर जाऊंगा, तो ये कबूतर लेकर आए और एक ये कबूतर लेकर आए बड़ा वाले। ये फैसल साहब को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, मुझे तो आ ही गया था, फैसल साहब को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था तो ये वाला भी लेकर आ गए, चेक करें। और बाकी एक ये मादी जो है ना इसी के साथ ही लगी हुई है काले वाले के, तो ये मादी भी जो है ना लाख ही लेकर आ गए। तो ये तीन कबूतर जो है ना भाई के सेटअप से लेकर आए, बाकी के और नहीं लेकर आए, बहुत ज़्यादा जो है ना भाई के सेटअप में जो ना वो छोटे छोटे कीड़े थे, जब भी गए ना हम लोग उनके सेटअप में बहुत ज्यादा जो ना हमारे ऊपर भी आए हैं, जो कबूतर पकड़ते ना कबूतर के अंदर से निकल निकल के भी उनके पिंजरे में घुसते ना तो भी हमारे ऊपर चढ़ जाते थे, तो यहाँ पे आके हमारे अंदर भी घुसे हुए होते थे, फिर जो ना नहा के वापसी ऊपर आना पड़ता था, वरना ऐसा नहीं हमारे कबूतरों में भी जो ना चल लग जाए वो। तो इन तीन को तो ना अभी तक नहलाया नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया, इनको मैंने देखा था इनके अंदर ना नहीं थी। और जो है ना क्या लेकर आऊँ मैं जो ना और भी आपको दिखाता हूँ, बाकी चेक करें पकड़ी वाली मादी जो ना अभी तक यहीं पर ही है, बाकी कल तो मैं कबूतर के साथ भी ना बेचारे के साथ गेम हो गई थी, ये भी जो ना किसी शिकारी परिंदे के हाथ लगा है, पता नहीं इसके साथ क्या सीन बना है, इसको भी जो ना हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है ना वहाँ पे जो ना छोटा सा जख्म है, 3-4 दिन से मैं इसको देखा था ये सुस्त हो रहा था, पता नहीं क्यों, मैंने कहा सुस्त हो रहा है ऐसा नहीं लकवे में जाए, इसको मैंने इंजेक्शन लगाने के लिए पकड़ा तो मैंने देखा इसको तो ना गेम हुई हुई है पूरी, तो मैंने फिर इसको इंजेक्शन लगा के जो यहीं पर छोड़ा हुआ है बंद किया हुआ है, बाकी के सारे चेक करें ना खुले में। तो अभी और क्या लेकर आऊँ ना मैं अभी आपको बताता हूँ, तो मेरा दिल तो नहीं था वो चीज़ उठाने का लेकिन जो ना भाई ने कहा तुम उठा लो मेरे पास तो ना मर जाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो ब्रीडिंग केज में मैंने छोड़ी हुई, गैस करें क्या हो सकती है, कर लिया गैस, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो आखिर, चेक करें भाई साहब यहाँ पे कहाँ गया भाई तीसरा वाला, हाँ ये रहा ये काला जाखू तो नज़र ही नहीं आया मुझे 2 सेकंड के लिए, तीनों के तीनों जो है ना बेबी भी मैं उठा के ले आया, मेरा दिल नहीं था इनको उठाने का क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बेबी पल रहे वो लकवे में जा रहे हैं, मैंने आप दोस्तों को बताया था कि यहाँ पे जो हमारा बेबी पल रहा था ना वो लकवे में जाएगा, वो बेचारा लकवे में चला गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने उन भाई को बोला मैं नहीं उठा रहा मेरे पास मर जाएंगे लकवे में, कहते तुम बल्ले ले जाओ तुम्हारे पास मर जाए लेकिन मेरे पास ना मरे, क्योंकि उन्होंने कबूतर ख़त्म करने थे तो उनको वैसे ही इतनी केयर का पता नहीं था, तो मैंने कहा चलें अब कबूतर उठा लिए तो बेबी उनके उठा ही लेते हैं, ये बड़े वाले कबूतर के बेबी हैं जो फैसल साहब को मैं कहा था पसंद है, बाकी काले वाले का बेबी। तो इसके अंदर तो ना बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ थी, इसको तो ना मैंने कल लाते ही साथ जो है ना डेटॉल से पूरा का पूरा जो है ना भिगो दिया था डेटॉल में, कानों में जो है ना इसकी घुसी हुई थी दोनों साइड के ना, अभी देखें कानों से भी जो है ना मैंने इसकी सफाई की है तो अभी जो ना थोड़े थोड़े से जख्म है खाली, बाकी कीड़ियां तो ना इसके अंदर से सारी की सारी मर गई, जुएं वगैरह भी जो ना सारी मर गई, इसको जो ना मैंने लाके जो ना यहाँ पे छोड़ दिया, जो ना खुद से सेल्फ हो गया है तकरीबन जो है ना दाना दाना इसने खाया है, बाकी इसको जो ना मैंने थोड़ा बहुत दाना खिलाया था इसको भी मैंने थोड़ा बहुत दाना खिलाया था, लेकिन अभी जो ना मैं देख रहा हूँ इन दोनों ने भी जो ना खुद से दाना खाया हुआ है, चेक करें इसके ना पेटे में काफी सारा दाना है, बाकी इसका भी देखें पेट जो है ना देखने से ही पता लग रहा है कि हाँ भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा खिलाया था मैंने सुबह सुबह में ही जो ना, बाकी वो इनका हजम हो गया था, लेकिन अभी जो ना इन लोगों ने मिक्स दाना यहाँ से जो ना खाया हुआ है चने नहीं है, मैं फील कर रहा हूँ ना इनके पेट में, तो वो अलग दाना है जो मैंने खिलाया था वाला नहीं है, इसने भी खाया हुआ है बाकी इन्होंने भी खाया हुआ है, तो मैंने कहा चले अब जो ना ये तो गुड सीन हो गया अगर ये लोग खुद से दाना खा रहे तो, क्योंकि मैं जो है ना अपने बीमार वाले कबूतरों को दाना खिलाता हूँ उनके जो वायरस होते हैं मेरे हाथों में, फिर जो ना मैं इनको दाना खिलाऊंगा तो इनके अंदर भी शिफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए जो ना मेरा दिल था कि इसको जो ना मैं हैंड टाइम के लिए उठाऊँ लेकिन मैं नहीं उठा रहा इसी वजह से, वरना ये काला वाला बेबी जो ना मैं हैंड टाइम के लिए उठा था, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है ये बेबी विजन जो है ना पूरा काला सर से जो ना हल्का हल्का सा सफ़ेद है खाली, और थोड़े थोड़े से बेचारे के अभी कान ख़राब हुए हमें, लेकिन खैर कोई नहीं वो तो सेट हो जाने दे रैम के साथ, क्योंकि अभी नए नए जख्म है और जब सही हो जाएंगे तो फिर बड़ा प्यारा जो है ना ये बनेगा, लेकिन खैर कोई नहीं इनको यहाँ पे छोड़ दिया, सेल्फ भी मुझे लग रही है ये देखता रहूँगा, इनको खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे नहीं खाएंगे तो फिर मैं जो है ना खुद से खिला दूंगा, बाकी ये बेबी विजन मैं अभी देख रहा हूँ पता नहीं कैसा अजीब से कलर में आया यार ये जालदार का इस बारी, बाकी इसको भी पता नहीं पॉक्स निकल आया मेरे ख्याल में, अब तो जाली लगा दी अब तो इसको पहले वाले ही होंगे मेरे ख्याल में, देखिए ब्राउन ब्राउन सा निकला है अंबर सिरा सा, पेट से ब्राउन है सर से काला सफ़ेद है पीछे से सफ़ेद है, मतलब कुछ अलग ही कलर निकला है, चितड़ा पिछड़ा सा कलर निकला है इसका,
खैर बड़ा होगा तो देखेंगे फिलहाल कैसा बनेगा ये। तो अभी जो है ना मैंने आपको दिखाया क्या लेकर आया हूँ मैं, और बाकी अपने बेबी भी जान देखे सारे जो है ना यहाँ पे नीचे नीचे में घूम रहे हैं। इसके पॉक्स का जो ना इलाज कर रहा हूँ, अल्लाह करे के सेट हो जाए। जिन जिन के भी निकले हुए ना सबका इलाज कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि इनको भी पॉक्स ना निकले। जाली तो अभी लगा दिए, मच्छर पता नहीं घुस रहे नहीं घुस रहे, मैंने देखा नहीं। और ये अपना रॉकेट ब्रीड का बेबी, चलो हटो यहाँ से, निकलो निकलो उतरो यहाँ से। देखे माशाल्लाह अच्छे साइज में आ गया ये वाला जो ना, जो ये वाला है कमजोर पला था एक यहीं भी छोड़ दिया था, अच्छे साइज में हो गया अभी माशाल्लाह। ये देखें ये आ गया, कलर में इस बार थोड़ा अलग आया था, काला वाला नहीं आया, काला वाला जो था वो बीमार हो गया था। तभी जो ना चल के दिखाता हूँ आपको, जो बेबी में गया था ना यहाँ पे लकवे में जाएगा, चेक करें ये रहा वो बेबी जन जो है ना लकवे में जा चुका है। ये देखें कितना खूबसूरत आया था इस बार जो है ना, शाइनिंग कलर वाला टेडी बेबी जन आया था। पिछली बार वाला जो आया था ना वो तो सियालकोटी माती पे चला गया मेरे ख्याल में। ये बैठा हुआ है सामने मेरी छतरी पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे में ही बैठा हुआ है। पिछली बार वाला तो माधी पे चला गया, इस बार वाला पक्का नर के कलर पे ही आया था, लेकिन जो ना इस बार वाला हमें नसीब ही नहीं हो सका, देखें लकवे में चला गया। तो सारों को जो ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जो ना दाना खिलाया, इसका भी पेट देखें भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो इसको भी जो ना यहीं केज में ही डाल देते हैं, यहाँ पर जो ना सारे वायरस वाले कबूतर हैं हमारे। बाकी दो तीन जो जाल में मेरा तो अब दिल कर रहा है उनको भी हटाऊँ जाल से जो है ना, बाकी सफाई सफाई करें। अभी रोजे जो है ना ख़त्म हो रहे हैं, पता नहीं आज आखिरी रोज़ा है कौन सा रोज़ा है, जो भी होगा पता लगेगा रात नहीं। तो ईद के बाद जो है ना इंशाल्लाह सारी सफाई करके जो ना सारे बीमार कबूतर जाल वाल से हटा के सारे जोड़े वोड़े तोड़ के ना कबूतर बाहर निकालेंगे, और फिर जो है ना उनको थोड़े टाइम तक बाहर ही रखेंगे। ब्रीडिंग केज की भी सही से सफाई वफाई करेंगे, फिर दोबारा से ब्रीडिंग पे लगाएंगे इंशाल्लाह। बाकी इस काले वाले को भी ब्रीडिंग पे लगाएंगे, इसके लिए सोच रहा हूँ कहीं से प्योर मादी मिल जाए ना काली, तो फिर ना मज़ा ही आ जाएगा, काले काले प्योर बेबी आएंगे। बाकी इसके लिए भी कोई मादी देखेंगे, बाकी अपने भी दो तीन नर हैं उनके लिए भी मादियाँ देख के ना सारों को जो है ना जोड़े ज्यादा करके जो है ना इस बारी लगाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो ना यहीं भी आएगा, तो उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेगा आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।